हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कथावाचक जया किशोरी का नाम जोड़ा गया था। इसके बाद बागेश्वर धाम ने खुद इस बात का खंडन करते हुए जया को अपनी बहन बताया था। कथावाचक जया किशोरी और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो आपने सुना ही होगा, दोनों ही चर्चाओं में रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोनों ने कहां तक पढ़ाई की और कितनी पढ़ाई की है। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार को लेकर चर्चा में है। इसके अलावा सोशल मीडिया में धीरेन्द्र शास्त्री और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी की शादी को लेकर भी खबरें चली हैं। ऐसे में हम आपको इन दोनों की पढ़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है। जया किशोरी ने श्री शिक्षणाटन कॉलेज और कोलकाता की महादेवी बिरला विश्व अकादमी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने ओपन स्कूलिंग से बीकॉम की पढ़ाई की है। उन्हें पढ़ाई करना बहुत पसंद है। एक इंटरव्यू के दौरान जया किशोरी ने बताया कि वो और पढ़ाई करना चाहती हैं। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई के समय श्रीमद् भागवत कथा को तैयार किया था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भजन और गीत के पाठ भी करती थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम से कक्षा 8 तक पूरी की। हायर स्टडीज के लिए गांव में स्कूल नहीं होने के कारण उन्होंने कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई गंज में पूरी की। उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 12वीं के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण समाज सेवा और मानव सेवा में लग गए और पढ़ाई छोड़ दी। उनके अनुयायियों की संख्या हजारों से लेकर लाखों में है। वो खुद को हनुमान जी और बालाजी का भक्त बताते हैं। उनका दावा है कि वो लोगों की अर्जियां अपने इष्ट तक और इष्ट की चेतना लोगों तक पहुंचाते हैं।